पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। देखे कैसी बेशरम छोकरी, किसी का लिहाज ना इसको, आपके हास्योग पे तो हंसिया मार दी। खैर हमने तो इसकी किसी बात से लेना देना रखा ही नहीं है, पर आपको थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा ब्रज बाबू। अरे जी जी, अब चौकन्ना ना, तुम्हारी बहू को रहने को बोलो हमसे, क्योंकि हम ना उसका ऐसा हशर करेंगे, ऐसा हशर करेंगे। नहीं नहीं बंटी भैया, आपके जीजा जी का कहना है कि जब तक आदि एमएलए नहीं बन जाता तब तक काव्या को हाथ नहीं लगाना। अरे हम कौन सा सच में हाथ लगा रहे हैं, और भी तरीके हैं डुक 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 बंदरिया को नाच नचाने के लिए। ठंड रखो बंटी, जब तक इलेक्शन है काव्या को कोई कुछ नहीं बोलेगा। लस्सी पीनी जी? बिल्कुल पियेंगे। चलो संतो। अरे अम्मा बंद करो ये हास्य होगा, गया वो फ्रॉड। और एक बात बताओ, वो आदि को इलेक्शन के लिए पैसा दे रहा है, आप उसकी मदद क्यों कर रही हो? अरे भाई आदि को लगना चाहिए कि बंटी मामा से मदद लेने में कोई नुकसान ना है, समझे? फिर जो है एक बार बंटी मामा का पैसा आदि के पास आ जाए उसके बाद बंटी मामा की घंटी हम बजाएंगे। और वो कैसे अम्मा? हमारे पास एक गवाह है, उसका बेटा फैक्ट्री में गैस लीक होने के कारण अपाहिज हो गया। एक बार उसकी गवाही हुई तो बंटी मामा गए जेल और आदि हुए इलेक्शन से बाहर। अम्मा अगर कहीं वो पलट गया तब? सवाल ही नहीं उठता, बिल्लू सिंह के बेटे का इलाज हमने करवा होता तो बस। एक बार बंटी मामा का पैसा आदि के अकाउंट में आने दो। आदि वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में नहीं आने चाहिए। देखो हमारी बात सुन, उन पैसों पे उन गांव वालों का खून है, किसी भी हाल में तुम्हारा नाम तुम्हारे मामा के नाम से नहीं जुड़ना चाहिए। स्टॉप इट काव्या, जस्ट स्टॉप इट, वो सारे इल्जाम झूठे हैं। मां से पूछा है हमने, बंटी मामा ने कोई केस नहीं दबाया है, किसी को घूस नहीं दिए उन्होंने। पर आदि अभी तक केस बंद नहीं हुआ है, अगर कोई नया गवाह आ गया तो क्या कर लोगे तुम? अरे तुम्हें ऐसे इंसान से पैसे लेने ही क्यों है जिस पर इतना सीरियस आरोप लगा हुआ है? बदतमीज, मेरे भाई के नाम पर इतना बड़ा लांछन लगाते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हाँ प्लीज, हम बात कर रहे हैं ना। बात करने दो हमें आदि, हमने कभी नहीं सोचा था कि लड़की इस हद तक नीचे गिर जाएगी। सही कहती हम, सांप को दूध पिलाया है हमने, और ये तो नागिन ने अपने ही परिवार को डसने पे तुली हुई है। माँ प्लीज, हम बात कर रहे हैं ना, आप जाइए, ऐसे हम संभाल लेंगे। और तुम, पहले तुमने अपने बाप से हमारी फाइल चोरी करवाई और अब इलेक्शन का फंड रोकने की कोशिश कर रही हो। एक बात कान खोल के सुन लो काव्या, आज शाम की पार्टी में बंटी मामा हमें चेक देने वाले हैं सबके सामने, और वो चेक हम ले रहे हैं। ओके, तो फिर हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं और तुम हमें बता देना कि हमें कब तक निकलना है। ओके, तो ये देखो ये साड़ी कैसी है, ये पहन ले। तुम पार्टी में नहीं आ रही हो, तुम हमें ऑर्डर नहीं दे सकते हो। दे सकते हैं, हम ऑर्डर दे रहे हैं। अच्छा, आदि लो पहन लो ये साड़ी, अच्छी लगेगी तुम पे। एक साड़ी फट गई तो क्या हुआ, हमारे पास बहुत सारी साड़ियां हैं, क्योंकि हमारा फटी फूटी चीज नहीं है। ठीक है, अगर सबके सामने तुम्हें कार्टून बनने का शौक है तो आ जाओ साड़ी पहन के, बॉलीवुड थीम वाली पार्टी है ये, सब कुछ ना कुछ बन के आने वाले हैं। एक सेकेंड, इलेक्शन की फंडिंग की पार्टी
बॉलीवुड थीम्ड है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बंटी मामा फिल्मों के शौकीन है और तुम्हें इतनी जल्दी कॉस्ट्यूम मिलने भी नहीं वाला, सो प्लीज भाग के हमें एम्बैरेस मत करना, मत आना। गुड बाय। वो चेक तो हम तुम्हें नहीं लेने देंगे आदि, अब चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, पार्टी में तो हम जरूर आएंगे। महेंगर ऐसे कैसे चलेगा, तामन भी आ गया है, पैसे तो देने पड़ेगा ना यार। अबे तो क्या करूं मैं, मना कर दिया दीदी ने। भाई वो तो तुझे पहले सोचना था ना, अब वो सब छोड़, अभी करे क्या मयंक? मुझे नहीं पता यार, बस उस अनुराग से पैसे नहीं लेने। बिल्कुल ठीक कह रही है वो। देखो सही कह रही हो कि अगर तुम्हारे दीदी के हम होते ना तो हम भी यही कहते कि अनुराग प्रधान पे भरोसा करना ठीक नहीं। और तो पहले क्यों नहीं बके, दुकान खुलने से पहले बंद करवा दे यार, बहुत गुस्सा है। लगे सुनो, अरे तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो क्या है बाबू, कभी कभी कान जो है ना ऐसे नहीं, ऐसे घुमा के पकड़ना पड़ता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि हमें पैसा तुम्हें देना है और तुम्हें लेना है, इसके बीच में सिर्फ एक कान का फासला है। समझ में आया? नहीं आया? हम बताते हैं कि दीदी को तुम ये नहीं बोलोगे कि हमने तुम्हें पैसा दिया, तुम उसे ये बताओगे कि सुजॉय के चाचा जी ने तुम्हें पैसा दिया। हेलो दीदी। हाँ मैं बोलो। वो पैसों का इंतजाम हो गया। अरे वाह, इतनी जल्दी, गुस्से तो नहीं लिया ना? नहीं दीदी, वो सुजोय के चाचा से लिए। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, चलो अभी हम जा रहे हैं। पर आप हो कहाँ, ये हाफ क्यों रहे हो? बॉलीवुड थीम पार्टी तो नहीं है, हम गलत पार्टी में तो नहीं आ गए? तुमने झूठ बोला हमसे। कहा था ना हमने की पार्टी में मत आना, लेकिन तुम अब तुम यहाँ से फंडिंग कैसे रोकने वाली हो? टेबल्स के नीचे रेंगते हुए जाओगी या फिर बंटी मामा के पैरों से निपट? आठ सोलह काव्या वर्सेस आई स्वेयर, हिस्ट्री बनने वाली है, हिस्ट्री। हमने तुमसे दस बार दस बार दस बार बोला था कि पार्टी में मत आओ, लेकिन तुम आई। बहुत मजा आ रहा है तुम्हें? क्यों तुम्हें मजा नहीं आ रहा? अरे अंदर चलो, बड़े बड़े डिग्नेटरीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, उनसे मिलकर तुम्हें और मजा आएगा। ओह वाओ डिटेलिंग। अब एक काम करो, रेंगते हुए घर जाओ, चेक तो हम लेकर रहेंगे, हाँ टीवी पे देख लेना। ओके बाय। अपने सब पैरे को ढूंढने आई है। काव्या क्या बेवकूफी है ये, हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं तो
आदि को सलील करने में लगी भी? नहीं नहीं पापा जी, हम कुछ नहीं सुना मैं। चुपचाप घर जाओ, इससे पहले कि तुम्हें आंखों देखे। जाओ घर जाओ। जीजा जी, अरे आप यहाँ खड़े हो, हम आपको पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।